नमस्कार नमस्कार। हाँ अभी तो लोग जुड़ेंगे। नमस्कार, अभी तो हमारी ऑडियंस आ रही है। आइए आइए। नमस्कार। अरे वाह, 2000, वाह वाह। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो एवरीवन। हेलो, हाय हाय, नमस्कार। यस, कैसे हैं आप सब? तो काफी सारी ऑडियंस जुड़ चुकी है हमारे साथ, और आज मैं आया हूं सोनी सब के इंस्टा पे लाइव, आप सबसे ढेर सारी बातें करने, आप सबका हौसला बढ़ाने और आप सबको एंटरटेन करने। सो आई होप कि आप सब सेफ होंगे, आप अपने फैमिली को भी सेफ रख रहे होंगे, और साथ ही साथ आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो देश के या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो वो भी सेफ होंगे। और काफी कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियां हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमें साथ में रहकर इसका मुकाबला करना है। सो हम साथ में हैं और हम इसका जोरों शोरों से मुकाबला करेंगे और अपने अपने घर से मुकाबला करेंगे। बी सेफ, गुड गुड, आप सब सेफ हैं, मुझे कमेंट्स में पढ़ के भी अच्छा लग रहा है। ग्रेट, यस यस। आप कहाँ हैं? मैं अपने घर पर हूं और सेफ हूं अपनी फैमिली के साथ। यस, थैंक यू फॉर योर एडवांस बर्थडे विशेस टू माय मॉम। थैंक यू। हाय, एकदम बढ़िया, हम एकदम मजे में हैं, एकदम भौकाल मचा के रखे हैं। हाय हाय अरमान, हाय क्रिस्टी, हेलो। सो यस, प्लेंटी ऑफ ऑडियंस विथ अस, एंड आई होप आप सब सेफ होंगे जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। आई विश कि आप सब अपने घर पर होंगे एंड अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। वेर इज अनाइ, अरे ला रहे ला रहे, ठंड रखो, ला रहे हैं अनन्या जी। है, हाय समीर, हेलो। सो यस, ऑफ कोर्स काफी टाइम हो गया था लाइव आए हुए, और सोनी सब के पेज से आज मैं लाइव आया हूँ। ऑफ कोर्स हमारे एपिसोड्स कुछ दिनों के लिए नहीं है क्योंकि इस सिचुएशन की वजह से, बट आई होप हम जल्दी वापस आएंगे नए एपिसोड्स के साथ और ढेर सारे मजे करेंगे। आपको जैसे बालवीर रिटर्न सीजन 2 देखकर मजा आया, उसी में हम आगे एक बहुत अच्छी स्टोरीज ला रहे हैं, और हमें तो बहुत मजा आ रहा था शूट करते हुए। सो यस, वी आर ऑल्सो वेटिंग कि हम वापस फ्लोर्स पर जाए और आप सबको नए नए एपिसोड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स दें। यप, सो यस, हियर वी हैव 5000 पीपल विथ अस लाइव। ग्रेट, होप यू ऑल आर सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टूडे। यस, सो लेट्स सी इफ अनन्या इज हियर विथ अस। ओके, हाय, गुड आफ्टरनून, अराउंड टू बी गुड इवनिंग। हाय रोहित, हेलो। हाय गौरव, यस आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर न्यू एपिसोड्स। थैंक यू, और हम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेट मी सर्च, हाय मिशेल, हेलो, हाय मौलिक,
हेलो देव, हाउ आर यू? कैसे हेलो, नमस्कार। हो आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ जी, नमस्ते। मैं हाँ नमस्ते देव, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओके, आई थिंक कुछ ग्लिच था, जस्ट सेकंड। हाय हाय। हेलो। यू? इतना नीचे का है, बैठ क्या के ऊपर पता आओ। नहीं ये रिंग लाइट का वो ट्राइपॉड नीचे नहीं हो रहा, पता ये रिंग लाइट वाले लोग, थोड़ा नीचे नहीं करो। नीचे जाएगा ये, इससे वॉल्यूम कम हो रही है। अरे मम्मा, ये देखो इतना ठीक है। नहीं, पूरा हेडस्पेस है अभी तो, या बीच में और एक बंदा आ जाए। पीछे मैं पीछे चली जाती हूँ। तो और नीचे चली जाओगी। यार इससे ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा रुको पिलो रुको, लेके कुशन बैठो, हाइट लगा लूँ। बढ़ाओ, इसलिए कॉम्प्लेन पीने को बोला था बचपन ओके में। हाँ ओके, बेटर। चलो हाँ, सो यस यस, वी हैव अनाहिता भूषण विथ अस, उर्फ अनन्या फ्रॉम हाय ऑलवे रिटर्न। एवरीवन, व्हाट डू यू थिंक? हाय, सो यस, टेल मी अबाउट योर लॉकडाउन पार्ट टू। कैसा चल रहा है? आप कहाँ पर हैं? आपकी फैमिली कैसी है, बताइए। मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है। आप, आई होप आपके घर पे सब बहुत अच्छे हैं। यस, एवरीवन चलती। और मैं लखनऊ में हूँ अभी, एंड लॉकडाउन ठीक ठीक ही जा रहा है। फर्स्ट से तो बहुत बेटर जा रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग क्वाइट अ फ्यू थिंग्स अभी। व्हाट अबाउट यू? हाँ, तो आप पहले आप बताइए, आप क्या कर रही है? क्वाइट अ फ्यू थिंग्स क्या है जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैं, टीवी देखना, बुक्स पढ़ना, वर्कआउट करना। गुड। वर्कआउट भी कर रही हूँ मैं अभी 2 दिनों से, तो आई थिंक ये अभी रोज मैं फॉलो कर पाऊंगी उसे, एंड आई थिंक दैट्स क्वाइट अबाउट इट, बिकॉज हम लोग लिमिटेड होते हैं घर पे। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? बस हम तो एंजॉय कर रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और पेरेंट्स के साथ हूँ मैं। क्या क्या? पढ़ाई भी तो है ना करने को तुम्हारे पास, हाँ तो है ना, होनी गुड। चाहिए पढ़ाई, बट तो जिंदगी भर मेरा चलने टाइम की। गया पढ़ने का। ये गलत सीख है, मतलब पढ़ाई पढ़ाई चालू रहनी चाहिए लाइफ टाइम। हाँ, अब आगे कुछ प्लान करूंगी पढ़ने का, तो पढ़ूंगी। अभी फिलहाल तो आई एम हाँ क्वाइट ओके। फिर ठीक है, तो मैं तो मुंबई में हूँ अभी, अपनी फैमिली के साथ हूँ, सेफ हूँ, एंड ऑल हेल्दी, ऑल गुड। विच इज गुड, नाइस। यस ऑफ कोर्स। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं कुछ दिनों से, हाँ, हमारे और एपिसोड्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज अभी करंट सिचुएशन जो है उसके वजह से हम शूट नहीं कर पा रहे हैं, बट जल्दी शूट करेंगे और बहुत एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली है, राइट? तो आई थिंक सब लोगों को देखना चाहिए, मतलब ट्यून्ड रहना चाहिए उसके लिए। क्या रहना चाहिए? ट्यून्ड? ट्यून्ड, मेरे डॉग्स आ गए, अच्छा, हाँ तो दिखाइए, डॉग के दर्शन कराइए। देखना है आ दिखाओ दिखाओ। की अरे वाह, क्या नाम है? की। हाय, किकी। हेलो किकी, आप सोनी सब पे कौन लाइव है किकी? है? शी इज स्लीपी। हाय पिपी। तो यस, बहुत अच्छा लगा हमें आपके डॉग से मिलके। हाँ ओके, एक और डॉग भी है बट अभी वो सो रही है। नहीं, कोई बात नहीं नहीं। नहीं और बताइए अपने बारे में, आप ही कुछ बोलिए, हम क्या पूछ पूछ करें, आप ही कुछ बताइए। आप बताओ, आप क्या कर रहे हो आजकल, पढ़ाई को छोड़ के और टीवी को छोड़ के? हम क्या कर रहे हैं? हम दो तीन चीजें नई प्लान कर रहे हैं, अभी चल रहा है, अंडर द वर्क, अंडर प्रोजेक्ट है, बिहाइंड द सीन अभी कुछ चल रहा है, देखते हैं, मैं जल्दी बताऊंगा, नई नई चीज आएगी तो।
नाइस। और आप बताइए, मतलब आपकी और क्या हेल्थ वेल्थ कैसी है? मेरी हेल्थ बिल्कुल सही है, मेरे घर पे पूरी फैमिली एवरीबडी सेफ। आई नो अभी बहुत ज़्यादा ये केसेस एंड ऑल बढ़ रहे हैं, सो आई जस्ट अर्ज एवरीबडी टू स्टे सेफ, और जितने प्रिकॉशंस हैं प्लीज सब लोग लें, बिकॉज ये सेकेंड वेव इज़ लाइक द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इज़ वेरी वियर्ड एंड डेंजरस ऑल्सो। यस, वो तो है, लेकिन होप सब लोग सेफ हो, अपने घर पे ही हो, हाँ बाहर मत निकलो भाई, बिना काम के घर के बाहर मत निकलो, हाँ बिना हम काम हैं आप। एग्जैक्टली। एंड अभी घर पे रहना ही बहुत बड़ी लग्जरी है, हम लोगों को लग रहा है कि हम बोर हो रहे हैं एंड एवरीथिंग, यू शुड बी थैंकफुल दैट एटलीस्ट वी आर सेफ, वी आर होम, खाने पीने का नॉर्मल हम लोगों का सब कुछ चल रहा है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है कंट्री में, बट वी शुड बी ग्रेटफुल, हम लोग जिस प्लेस पे हैं उसके लिए। यस यस, बहुत अच्छी बात कही, और यह बात हमें माइंड में रखनी चाहिए, है ना दोस्तों? जी हाँ, तो आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हाँ कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आस्क द क्वेश्चन का भी जो एक होता है टैब, मैंने पहली बार देखा हूँ मैं इसमें। मेरा तो फोन बहुत दूर है, मुझसे क्वेश्चंस नहीं पड़े जाएंगे, वैसे हाँ भी मैं बताता हूँ स्पेक्स मैडम आपको, मैं हूँ लगाने बीच में, पड़ेंगे मीडिएटर, पढ़ने के लिए। मैं आई एम मीडिएटर अवॉइडिंग हूँ। दैट। काफी सारे सवाल है, काफी सारे वाली सवाल्स हैं। सवाल। आप शूट को कितना मिस कर रहे हैं? ऑडियंस पूछ रही है आप शूट को कितना मिस कर रहे मैं तो मिस कर रही हूँ, ऑब्वियसली घर पे रहना किससे पसंद है, हर कोई चाहता है कि वो काम कर रहा हो, शूट कर रहा हो। तुम कितना मिस कर रहे हो शूट को? हैं? मैं तो ऑफ कोर्स मिस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, और हमारे फ्रेंड्स के लिए हम नए नए एपिसोड्स बना रहे थे, बहुत एक्साइटमेंट थी, एक नई सीजन भी लेकर आए थे, बट अभी अभी कुछ दिनों से वी आर स्टॉप शूटिंग ड्यू टू दिस पेंडेमिक, बट होप हम जल्दी वापस जाएंगे। यस आई जस्ट होप जल्दी यस यस, एंड सेफ एनवायरनमेंट, तो हाँ अच्छे अच्छे तरीके सेफ से है, पहले जैसे शूट कर पाए। सबकी सेफ्टी के साथ। यस गुड गुड। सो अभी हमें भी एक सेगमेंट करना है, क्या नाम था उस सेगमेंट का, मैं भूल गया। सेगमेंट का नाम है, मैं भी भूल गई। लेट मी चेक। हाँ, मोस्ट मोस्ट लाइकली Who's टू, most यस likely to? Yes. ओके। तो है आपके पास सवाल है? हाँ, मेरा फोन रेडी है, पुराना वाला। रुको। ओ ये देखो, हम अमीर लोग दो दो तीन तीन मोबाइल लेके घूमते हैं, तो गरीब आदमी। ओ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। पहले पहला कौन स्टार्ट करने वाला है? तुम कर रहे हो कि मैं करूँ? क्वेश्चन से। Should we आप दीजिए start? सवाल। क्या? Should we start now? हाँ, अरे शुरू किया जाए, कौन बनेगा मोस्ट लाइकली टू। ओके ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी मोस्ट लाइकली टू सीरीज का है, हु इज मोस्ट लाइकली टू अराइव लेट ऑन द सेट्स? तुम जवाब दो पहले, बताओ। मैंने क्वेश्चन पूछा। अच्छा मैं मोस्ट लाइकली टू अराइव लेट ऑन सेट। सब आ ही जाते हैं टाइम पे, तो लेट लेट कौन आता है? कोई नहीं आता। हम दोनों में से कौन लेट आता है पहले ये बताओ। हम दोनों में से तो ऑफ कोर्स यू, लड़कियों को टाइम ज्यादा लेते। हाँ आई वुड अग्री, मैं लेट हो जाती हूँ थोड़ा बहुत, बट आई कवर इट अप, जल्दी रेडी हो जाती हूँ हाँ बट अगर मीन्स अगर सीजन टू की बात करें तो मैं ज्यादा टाइम लेता हूँ, इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर टू बिकम कार्ल एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स, मैं। हाँ तो फिर मैं सबसे बाकी ज्यादा चीज लेट पहुंचता। आई नो, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना टाइम लगता है तुम्हें रेडी होने में, कार में लेट अराउंड होने में कितना टाइम? 1.5 आवर टू 2 आवर्स, क्योंकि वेग रियली? है, बियर्ड है, मुस्टैच है। हाँ मुश्किल है, फिर उसके जो मास्क है, कॉस्ट्यूम भी हैवी है, तो टाइम चला जाता है रेडी होने में। मुझे तो हाफ एन आवर लगता। बट इट गिव्स मी टाइम टू गेट इन द कैरेक्टर, उस मूड में जाने के लिए टाइम मिल जाता है, सो आई यूज दैट वाइजली। मूड में जाने के लिए मतलब मतलब काल के मूड में जाने के लिए, तो मैं वैसा म्यूजिक
वैसे मेरे रूम में लाइटिंग होती है, डार्क लाइटिंग होती है, तो मैं एकदम काल के मूड में चला जाता हूँ, फुल ऑन साइलेंट सेटअप हो। सो दैट यू स्लिप इनटू इट। नाइस यस, मेथड एक्टिंग जी। है। आपके जैसी कला कहाँ है मैडम हमारे पास, डिस्कस करो। मैं वेट कर रही थी कि तुम कुछ बोलो इस चीज पे। चलो यस, नेक्स्ट हाँ चलो क्वेश्चन पे नेक्स्ट। चले जाते हैं इससे पहले कि आगे बढ़े। हु इज मोस्ट लाइकली टू स्लीप एंड टेक नैप बिटवीन द टेक्स। इसका जवाब तो तुम्हें ही पता है। आई थिंक कि मैं बहुत कि मैं ही हूँ जो बहुत ज्यादा हाँ सोता है ऑन सेट। आई मीन मुझे जब भी बीच में ब्रेक मिलता है, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सेट पे हूँ या कहीं और हूँ तो आई कैन नॉट स्लीप। इफ आई फील लाइक स्लीपिंग एंड आई एम स्लीपिंग, मैं कहीं पे भी सो जाऊंगी एंड वेरी नाइस साउंड स्लीप। और मुझे सेट पे तो इतनी अच्छी नींद आती है कि मुझे इतने अच्छे ड्रीम्स भी आने लगते हैं सेट पे। सो यू नो मैं कई बार इतनी तो पीसफुली सोती हूँ हाँ बोलो बोलो। जब तक तुम मेरे डोर को आके डिस्टर्ब ना करो, मुझे डिस्टर्ब ना करो, तब तक मैं सोती हूँ। मैं कितना इरिटेट भी होती हूँ क्योंकि तुम हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करते रहते हो। आई रिमेम्बर मैं चाहता हूँ आप एक्टिव रहे, मैं चाहता हूँ आप आप ये नहीं जागते रहे। चाहते कि मैं सो ढंग से। नहीं, जागो रात, जागो, सोने के लिए रात दी है फ्री मैडम। टाइम में सोना इज ओके, कम ऑन। हाँ एक एक दो बार तो सर एक्शन बार बार बोल रहे थे, सो रही थी टेक में, बोलो। क्या हाँ कुछ भी अरे ऐसा कब हुआ? ऐसा नहीं हुआ है। कितनी बार हुआ, अच्छा और कौन है सेट पे जो सोता है मुझे छोड़ के? आई थिंक श्रीधर जी, श्रीधर जी बहुत सोते हैं हमारे। तबा तबा, मौका मौका, उनको बीच में टाइम मिल जाए तो आप उनके रूम में जाओ तो सोते ही मिलेंगे वो। अच्छी बात है ना, रेस्ट ले रहे हैं प्रॉपर, अच्छे से एक्टिवली परफॉर्म कर पाए। कई बार तो ऐसे होता है कि मैं जस्ट मुझे कोई बुलाने आता है, मैं सो के उठी होती हूँ और मेरी आईज बिल्कुल ऐसी पफी सी होती है और बोलते कि 5 मिनट में रेडी है जल्दी से आओ। सो यू नो वो टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तब मुझे लगता है कि मुझे नहीं सोना चाहिए था बिकॉज मैं लेजी हो जाती हूँ। बट आई थिंक कि अब मैं सीख रही हूँ उसको कवर अप करना। ये हर बार यही होता है, नहीं सोना चाहिए था, वापस सो गई। गुड चलो ठीक है, ट्राई करूंगी कि नहीं सो। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? मैं आप पूछिए। मोस्ट हु इज मोस्ट लाइकली टू गिव हिज और हर शॉट इन अ सिंगल टेक? हु डू यू थिंक इट आई इज? डोंट नो, यू से। नहीं आई थिंक इट्स ऑब्वियसली यू, इट्स नॉट मी। बहुत नहीं रेयरली कभी कभी होता है ऐसा कि मैं फर्स्ट टेक में शॉट दे दूँ। देते हो, अच्छे से देते हो। तुम्हारा चलो फर्स्ट थैंक वो यू। लास्ट से चालू होता है, फर्स्ट टेक से लास्ट वाला, फर्स्ट लास्ट टेक। क्या? गुड। हाँ तो दिस इज यू। और कौन देता है सेट पे ऐसे 1 टेक? आई थिंक करुणा आंटी। हाँ करुणा जी, अच्छा, राइट यस। और हमारी मेरी जो नई फैमिली है उसमें भी जॉली भैया है, या फिर मेरी माँ का जो कैरेक्टर निभा रही है वो हाँ भी। तुम्हारी न्यू फैमिली में से सबसे अच्छी बॉन्डिंग तुम्हारी किसके साथ हुई है? सबके साथ, मतलब जितने भी माँ का कैरेक्टर है, भैया भाभी है, तो तीनों के साथ अच्छा बॉन्ड है। और भैया भाभी का जो किरदार करे उनके साथ तो मैं पहले सीजन 1 में भी और उससे पहले भी काम कर चुका हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक टू वर्क विद देम। गुड नाइस यस, अगला सवाल मैं पूछूं। जी पूछिए। मोस्ट लाइकली टू ब्रेक द कैरेक्टर, मतलब मोस्ट लाइकली टू ब्रेक द कैरेक्टर मतलब सबसे जल्दी कैरेक्टर कौन समझ जाता है कि क्या करना है, हाँ क्या परफॉर्म करना है? यस, कौन समझ जाता है। तो तुम ही हो। मैं भी समझ जाती हूँ क्योंकि मुझे जितना एक लाइन में बताया जाता है मैं उतना कर लेती हूँ, मैं इतना डीप थॉट नहीं देती उस चीज को, तो दैट वे मैं समझ जाती हूँ। और टेक के लिए सर बताते हैं कि नहीं इमोशन ये था और तुमने ये कर दिया है, जैसे अभी रिसेंट किसी एपिसोड के साथ हुआ था, किसी सीन के साथ। सो हाँ उस खराब उसको हाँ आई थिंक मैं हूँ, बट अच्छे वे में इट वुड बी। यू ब्रेक द कैरेक्टर, यू ब्रोक योर लेग फॉर योर कैरेक्टर,
व्हाट अ डेडिकेशन. ट्रू. यस राइट. तो या नेक्स्ट सवाल आप पूछिए. एक मिनट. मोस्ट लाइकली टू बी द डायरेक्टर्स फेवरेट. डायरेक्टर्स फेवरेट. काफी सारे कैरेक्टर्स हैं ऐसे तो सेट पे. सबसे पहले हम दोनों में से बात करी जाएगी, फिर बाकी लोगों के बारे में हम बात करते हैं. हम दोनों में से बात करी जाएगी तो इट्स यू. ओके. बिकॉज ऑब्वियसली सर के साथ यू वर्क्ड पहले से एंड यू गुड आल्सो इन व्हाट यू डू. तो थोड़ा बहुत तो रहता है ना वो चीज पहले वाला भी. तो आई वुड से इट्स यू. ये इधर वो वाला चीज नहीं चलता इधर. उनका फेवरेट कौन है, बट जहाँ तक मुझे लगता है अगर हम दोनों में से देखा जाए तो इट वुड बी यू पक्का. इतना गुस्सा होके मत बोलो बस. राइट राइट. थैंक यू. और अगर हम बाकी एक्टर्स में से बात करें तो इट कैन बी ऑल द नेगेटिव कैरेक्टर्स जो भी है हमारे. भयमार का कैरेक्टर है या तबा तबा श्रीधर भाई है, दे ऑल आर फेवरेट. शोएब है, रे का कैरेक्टर है. सो डायरेक्टर्स की अच्छी जमती है उनके. एवरीबॉडी इज रियली गुड. यस. अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा. मैं पूछूं? ओके okay. That's interesting. Most likely to be a diva on set having special demands. meri bilkul special demands nahi hai. main to spot dada ko bhi awaaz nahi lagati chai ke liye. kisi aur ko bolna padta hai ki acha chai pee rahe hain. aunty kitni baar mujhe bol chuki hai ki chai pee. nahi ek baar maine naam liya aapka to khud kyun bol rahi ho. main khud se clarify kar rahi hu ki bhai mere mein to koi tantrum nahi hai. theek hai. वो टेंट्रम होता है तो क्लियरिफाई करना पड़ता है कि मेरे अंदर टेंट्रम नहीं है. चोर की दाढ़ी अच्छा, में सिंह था. बताओ तुम्हें लगता है कि मेरे में टेंट्रम है? प्लीज. और अब तो बता ना, पहले इस बारे में बात भी कर रहे थे कि मैं मेकअप एंड ऑल टच अप और ये सब के लिए इतना ज्यादा नहीं बोलती लोगों को, जिस पर मुझे ध्यान देना चाहिए. खुद ही कर लेती हूं. हां खुद ही कर लेती हूं. तो मेरे तो बिल्कुल टेंट्रम्स नहीं है. अगर हम दोनों में से देखा जाए कि कौन इतना करता है तो पर वो टैंटम नहीं है. तुम बेसिक चीजों के लिए वॉइस आउट करते हो. मैं बेसिक चीजें भी नहीं बोल पाती हूँ उनसे. राइट. जो जरूरत है उसके लिए बोलना इज इम्पोर्टेंट. मैं उतना भी नहीं बोल पाती. हाँ जैसे सोने के लिए बोलना है, चाय के लिए बोलना है. और क्या बोलना है? नहीं मुझे 5 मिनट नहीं 10 मिनट लगेंगे रेडी होने में. तो वेट करो 10 मिनट. नहीं बोल पाती. तो आगे बढ़ते हैं. क्या खाने के लिए भी नहीं बोल पाती कि भूख लग रही है तो जाने दो. खाने के लिए तो ब्रेक मिलता है ना. ब्रेक मिलता है बट उस अच्छा भूख नहीं लग सकती क्या ऐसे बीच बीच में? तो सर को पूछ के उसपे क्या डरने की बात है. हाँ ठीक है. तुम धीरे धीरे नीचे जा रही हो. पता चला इस लाइव एंड होने तक तुम हो ही नहीं फ्रेम में. एक और क्वेश्चन रखना पड़ेगा. एक और क्वेश्चन रख ले. ओके अब. हाँ अभी सही है, बेटर है. क्या करना पड़ेगा तो देखो. पिलो भी तुम्हारी वजन से दबता जा रहा है. हाँ. अच्छा अभी कुछ फ्रेंड्स के भी क्वेश्चंस होंगे, हम देखते हैं. हाँ. I have never missed Balveer from childhood. Thank you, Rahil ji. कोई अच्छा सा क्वेश्चन मुझे भी दिखे तो मैं भी पूछूं. Let me see. How would someone get your special attention? ये अच्छा सवाल है. बाल भी रिटर्न सीन यूर्स.
सेट पे? योर स्पेशल अटेंशन कौन, अगर किसी को ऐसा हो कि अनाहिता का ध्यान उसके ऊपर जाए, या फिर कोई ऐसे बात करे, या फिर इतना कोई क्या ऐसे क्वेश्चन टॉपिक उसे पे। पूछना चाहिए? आई हाँ थिंक डिपेंड्स ऑन माय मूड, जिस मूड में उस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ ले. आई थिंक आई बॉन्ड ओवर बुक्स अलॉट, मतलब बुक्स या कोई अच्छी सीरीज अलॉट, बिकॉज आई रिमेम्बर भैमार टेलिंग मी एक सीरीज देखने को जो मैंने देखी उनके कहने पे. उसके बाद उन्होंने काफी मुझे सजेस्ट किया काफी और चीजें देखने को, तो आई थिंक उस कॉन्वर्सेशन के ऊपर हम लोगों ने काफी बॉन्ड किया था. मतलब हम काफी बातें कर पाए थे उसकी वजह से. तो अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो इट शुड बी अबाउट गुड बुक्स एंड गुड कंटेंट ऑन टीवी और नेट. तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हें क्या मेरे चीज लिए एक्साइट करती है? मे बी पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स? और मतलब पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें, ऐसी चीजें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट करती है। या और भी कई सारी चीजें हैं, बट दिस वुड बी द मेन। आई वुड अग्री. नाउ आगे बढ़ते हैं, किसकी बारी थी? मेरी हाँ पूछिए मैडम। मोस्ट हु इज मोस्ट लाइकली टू डिसअपियर विदाउट टेलिंग एनीवन? ऑफ कोर्स यू, मतलब मैं कैसे, मैं कब डिसअपियर हो गई बिना बताए? चली जाती हो बिना बोले सेट से। नहीं नहीं, मैं हमेशा. ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं कभी नहीं करती, मैं प्रोडक्शन हमेशा पूछ के जाती हूँ को कब. नहीं, प्रोडक्शन को नहीं, मुझे मुझे बिना बताए ऐसा। तुम्हें बिना बताए तो चली जाती हूँ, तो तुम कौन सा मुझे बता के जाते हो, या और कोई कौन सा मुझे बता के जाता है क्योंकि हम जा रहे हैं मोस्टली पैकअप. तो बताइए, सबका सबको जैसे ही पता चलता है पैकअप, सब भागते हैं घर. हाँ वो भी है। नहीं यही है, नहीं डिसअपीयर नहीं हो जाता. आई थिंक हम दोनों में से कोई नहीं होगा, राइट? ऐसे तो काम से प्यार है हमें, हम क्यों काम छोड़ के जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, मोस्ट लाइकली टू फॉरगेट द लाइन्स। मैं बहुत लाइनें भूल जाता हूँ, और पता नहीं मैं क्या करूं, मतलब पता है मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, मैं लाइन याद ही नहीं रख पाता हूँ, क्या करूं। और मुझे हमेशा हमेशा एंड टाइम पे स्क्रिप्ट मिलती है, हमेशा एंड टाइम पे, बाकी सबको मिल जाती है, पहले से मेरे को ही एंड टाइम पे स्क्रिप्ट मिलती है। ये तो है ही, मिलती मुझे एंड टाइप पे स्क्रिप्ट मिलती है, तो इसीलिए मैं लाइंस भूल जाती हूँ कभी कभी. कभी कभी ठीक है, हमेशा नहीं. नहीं, कभी कभी नहीं, कभी नहीं नहीं और कोई सेट पे जो लाइंस भूलता है, किसी का नाम लेना चाहोगे तुम? मैंने ऑब्जर्व तो नहीं किया, आपने किया हो तो बताओ। ऑब्जर्व? हाँ, पता कौन नहीं, कौन, मैं बोलो बोलना नहीं बोलो। चाहती. अरे कोड वर्ड में बताइए। है मतलब मेरे दिमाग में कोई आया. उसके एक्टिंग करके बताइए, फैंस की डिमांड है मैडम, बताइए कौन है वो। अरे नहीं, अरे बोल, अरे घबराइए मत, अभी कोई आएगा नहीं आपके घर पे, लखनऊ आप सुरक्षित है, बताइए। तुम्हें आइडिया है मैं किसका नाम सोच रही होंगी? नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं, आप किसका नाम सोच रही हैं। कोई परी है? परी? अरे परिया तो बहुत सारी है। कौन सी परी नहीं है। हाँ, तो है कोई? बस समझ गया तुम्हें ही समझाना था, समझ गए? बस। आपको और जानना हो फ्रेंड्स, तो आप बालवीर के सेट पे आइएगा, आपको हाँ, देखने मिल जाएगा, तुम कौन बोल देखने जाता मिलेगा. है। ओके नेक्स्ट, मोस्ट लाइकली टू बी सराउंडेड बाय फ्रेंड्स। यू मतलब ऑब्वियसली, कितने लोग तुम्हें स्पेशली मिलने भी आते हैं?
ऑन हाँ, सेट सेट पे तो ऑफकोर्स कई सारे गेस्ट आते हैं इज द हमसे मिलते राउंडेड हैं। इफ अगर ऐसे हम देखें कि हम कहीं चले जाएं तो सबसे पहले तो लोग तुम्हारे पास ही आएंगे आते ही हैं गए कहाँ है अभी तक, तो है पता मतलब किसको कहीं पे भी अगर ऐसे आउटडोर शूट वूट हो रहा हो तो यू नो या सेट पे यही भी हम अभी तो सब। कौन सी मीट ऑब्वियस ये तो ऑब्वियस है इसका कैंसर देना है राइट, तो इसको माइंड में रखते हैं, जब हम जी बाहर जाएंगे शूट करने या फिर इवेंट्स पे जाएंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट अभी सवाल तो इतना क्या, ही पता लगा है कि तुम ही हो अभी तो इतना ही पता लगा है दैट इट्स यू फॉर नाउ अभी सेट पे हाँ ओके ओके ठीक है, आई एक्सेप्ट मैडम, माय अपोलॉजी। आप सवाल पूछिए। ओके हु इज मोस्ट लाइकली टू बी ऑन देयर फोन ड्यूरिंग द ब्रेक ब्रेक कौन होता है फोन पे? आई थिंक हर कोई फोन पे लग जाता है ब्रेक के बाद जैसे ही ब्रेक होता है छोटा सा कुछ भी हुआ इंटरव्यू तो एवरीबडी इज ऑन देयर फोन आई डोंट नो अबाउट यू बट ऑन सेट पे तो कम ही फोन यूज करता हूँ मैं, हाँ ऑन सेट मैं भी इतना नहीं फोन यूज करती हूँ यार मे बी हमारे शो में जितने बच्चे हैं वो ज्यादा फोन यूज करते हैं आई थिंक, या तो ऐसे कोई ब्रेक फोन मिलता कॉल हमको। या हाँ ऐसे कभी नहीं हुआ कि कोई फोन यूज कर रहा हो या उसकी वजह से उसने डिले करवाया और रुकवाया हो ऐसा वो तो है, बट सेट पे बच्चे हैं तो ब्रेक मिलता है तो रील्स बनाने चले जाते हैं, फोटोशूट करने चले जाते हैं, तो वो दिखता है ना इंस्टाग्राम पे। हाँ इंस्टा पे दिखता है राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट लाइकली टू बी लुकिंग देमसेल्फ ऑन द मिरर ऑलवेज कॉलिंग मेकअप दादा। इट्स नॉट मी ऑलवेज कॉलिंग मेकअप दादा आई एम नेवर कॉलिंग मेकअप दादा बट ऐसे कभी मिरर दिख जाए तो मैं बहुत देखूंगी जितनी बार मिरर दिखता है उतनी बार मैं अपने आप को देखने लगती हूँ मिरर पे ऐसे मेकअप कैसे दादा तो कैसे नहीं दिखते हैं आप, ये लाइव स्ट्रीम को मिरर समझ के बताइए, आप मैं कैसे धीरे से देखेंगे देख ही मिरर? रही हूँ देख नहीं रहा ऐसे खुद के बाल बाल सही कर रही हूँ मैं भी खुद कब को से देख के बात कर हेडफोन रही हूँ के चक्कर ऑब्सेस्ड में काइंड ऑफ आई थिंक ये सबके साथ ही है यार कि हर कोई जिसको भी मिरर दिखता है इट्स नेचुरल हर कोई अपने आप को देखने लगता है मिरर में हाँ वो तो है ये सबके राइट। साथ है मेकअप दादा को कौन बुलाता है सबसे ज्यादा मेकअप दादा को सबसे ज्यादा परिया आई थिंक सो, एक्सक्लूडिंग यू आई थिंक, उनका जो परियों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है हाँ मेकअप बिकॉज वेकअप उनका तो। मेकअप इतना हैवी होता है एंड एवरीथिंग यस सोनू बात्रा जी पूछ रहे हैं आपका शो काहे नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो पता ना है दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं आ रहा है क्या करें, हम भी हमारा शूट ना चल रहा है, हम भी घर पर बैठे हैं, तो बैठो होता नहीं खाए, और अभी घर इंतजार पे करो। बैठो हाँ सो लास्ट सवाल, 1 करोड़ रुपए के लिए आप पूछिए अभी, तो मुझे मैं कर लिया। पूछूं हाँ ओके लेट्स सी हु विंस हु इज मोस्ट लाइकली टू बी ईटिंग फूड इन देयर फ्री टाइम हु डू यू थिंक इट इज मे बी मी, आई ऑल्सो मैं थिंक इट्स यू आई आई थिंक कि इट्स वीवी ऑल्सो क्योंकि हर टाइम आंटी खिलाती रहती है उसको खाना या बोलती रहती है कि खाओ 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 और जितने भी लोगों की मम्मा साथ में होती हैं सब बच्चे खा रहे होते हैं खाना इंटरवल्स ब्रेक में बिकॉज मम्मा ध्यान रखती हैं सबका तो आई थिंक कि सब बच्चे ही होंगे चिंटू चिंटी भी हाँ बच्चे होंगे सारे बच्चे मोस्टली, गुज्जू सब लेके आते हैं सेट पे, खाखरा चकरी कचौरी सब हम खाते रहते हैं बीच बीच में, और हम ही खाते भी खिलाते नहीं है, भी हम हैं सबको खिलाते साथ वालों को खिलाते भी रहते। हाँ ये देखो मैं वही बोल रहा था, खिलाते खिलाना भी तो चाहिए ना खाते खिलाते रहते हो तो हैं ना हम, खिलाते हैं काहे नहीं तुम कब खिलाते, खिलाते हो आंटी खिलाती है मुझे तुम तो नहीं खिलाते आंटी आंटी कब खिलाती है, हमारे अच्छा आंटी ने पास मुझे लोग बहुत आते बार हैं, खाना खिलाया है यम यम वंश की मम्मा भी मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाती हमारे पास से बिल पास होके तब आपके आपके पास आता है ना, ऐसे थोड़ी आता है।
अच्छा तुम बोलते हो तो आंटी मुझे खाना खिलाती है, नहीं आंटी भी बोलती है, पर हर मैं चीज हाँ का बोलता हूँ क्रेडिट खुद कि मत लो, ठीक है? हाँ ऐसा नहीं है। आंटी आंटी खिलाती है आपको बस। मैं बोलना नहीं चाहता था, बट मैंने तो सिर्फ सैंडविच खाया और कुछ नहीं खाया लाइक। जब तक पूरी स्टोरी नहीं बोल रहे तब तक ठीक है। सैंडविच हाँ खाया है चलेगा। ना? हाँ सैंडविच खाया है ना? जब तक पूरी स्टोरी नहीं बता रहे तब तक ठीक है। हाँ सैंडविच तो खाया, लेकिन खिलाया ऐसे वो नहीं। तो नहीं होती, वो तो मेरी बुक लिखूंगा उसमें मैं लिखूंगा वो वाला सीन की लिखूंगा। हाँ लिखना चाहिए। और कोई यस इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नहीं आ रहे क्या? चेक करो। है बहुत सारे, बट आई एम नॉट गेटिंग टाइम, बहुत फटाफट चले जा रहे हैं। काफी लोग बोल रहे हैं टू बी सेफ, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो हु इज सेफ ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट बिटवीन योर सिस्टर, ऐसा बालवी रिटर्न साइंस पूछ रहे हैं ओके। आई आपसे। एम द एल्डेस्ट, फिर मेरे से छोटी मेरी दो बहनें हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ उनमें से। बहुत बहुत रौब झाड़ती है ये घर में। ऐसा कुछ नहीं है प्लीज। स्वरा जी पूछ रहे हैं कि आप दोनों में झगड़ा कौन स्टार्ट करता है, कौन दोनों स्टार्ट करता दोनों की तरफ है? से ही हो जाता है कुछ ना कुछ। कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जो लड़ता हो हम में से। तुम आई कहना लाइक चाहोगे योर कि वो ऑनेस्टी। मैं हूं? नहीं, आई लाइक योर ऑनेस्टी, मुझे लगा तुम मेरा नाम लोगी। नहीं दो नहीं दोनों ही लड़ लेते हैं, और अब ऐसे कुछ रैंडम बातों पे लड़ाई हो जाती है। हाँ रैंडम बातों पे लड़ते हैं ना ओके अभी। बट सबसे पहले सॉल्व कौन करता है लड़ाई, ये बताओ। आप बताइए। रहने दो। नहीं बताओ बताओ। दोनों करते हैं तो दोनों ही सॉल्व करते होंगे फिर। हाँ वही तो नाउ। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, यादव जी पूछ रहे हैं। ब्लैक। ब्लैक तुम्हारा फेवरेट कलर? मैं गेस करूँ ब्लू। टर्कोइज टर्कोइस ब्लू है ब्लू, या जो मेरे सोफे का तो कलर। दिख। हाँ उसी कपड़े से मैं अपने टर्कोइस कपड़े बनवाता हूँ, उसी सोफे के कपड़े से। ये वाला ये हाँ वाला। नाइस। तुमसे इंस्पायर होके तो मैंने ये सोफा खरीदा है टर्कोइज ब्लू का। क्या तुमसे इंस्पायर होके तो मैंने ये सोफा खरीदा है टर्कोइज ब्लू कलर का। जहाँ इंस्पायर होना चाहिए वहां तो इंस्पायर नहीं होते हो। चलो ठीक है। और पता है सवाल व्हाट इज फेवरेट योर फेवरेट फूड? तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? गुजराती थाली, मेरी क्या मम्मी जो है हर गुजराती चीज बनाती है, आमरस? फाफड़ा ठोकला हांडवा पात्रा क्या। आमरस, आमरस भी अच्छा लगता है मुझे तो समटाइम्स। बहुत अच्छा लगता है। अभी तो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ आमरस एंड गुजराती फूड सो हाँ पता है। या ऐना को भोजपुरी आती है? मुझे भोजपुरी नहीं आती, बट मुझे थोड़ा ये बिहारी एक्सेंट जो भी होता है ये मैं पकड़ सकती हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ की हूँ। क्या तो एक बार लाइन बोल के बताइए कुछ। लाइन बोलूँ बताइए। आप बोलिए। अरे क्या बोलूँ? अरे सुनिए
बोलिए कोई एक लाइन बोल दीजिए। ऐसे चलो ठीक है, अभी बीच में बोल दूंगी कुछ सोच के। ठीक है चलिए, तो आपके फेवरेट सॉन्ग का नाम बताओ, फातिमा जी पूछ रही हैं। मेरा फेवरेट गाना एक ही है, ओल्ड सॉन्ग है, किसी की मुस्कुराहटों पे होने साथ। नाइस, आई नो आपका? वाइट। आई थिंक काफी सारे हैं, आई कीप ऑन चेंजिंग इट, बट अभी तो तमिल सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो काफी सारे तमिल सॉन्ग्स भी हैं, तो कौन सा आई एम फेवरेट है लिसनिंग। तुम्हारा तमिल सॉन्ग? एक कन्नान कन्ने सॉन्ग है मेरी फेवरेट फिल्म दिखवा सॉन्ग का, जो एक फादर डॉटर रिलेशनशिप पे है, और एक सॉन्ग है कधई कोम्बा जो ट्रैवलिंग सॉन्ग है, तो है दो तो सॉन्ग है। जो मैं काफी सुनती रहती हूँ, तुम्हारे रूम से कौन सुन के मेकअप दादा आके मेरे रूम में ये गाना गाते रहते हैं। चलो अच्छा है, आप भी सुनते रहिए। गिव डेयर टू इच अदर, ये अच्छा, जिया जी, जिया पटेल। ऐसा क्या डेयर है? ऐसे लाइव सेशन पे क्या डेयर दे सकती हूँ? जो भी आपको देना हो, ऐसा कुछ डेयर टाइप का क्वेश्चन पूछ सकती हो, राइट? आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। वो क्या है, आपके थिंक तुम्हारे है, तुम्हारे दिमाग में कुछ है? ना नहीं तो ये क्वेश्चन क्यों पिक किया? ऐसे ही, मतलब इंटरेस्टिंग लगा मुझे, पर अब क्या बोलूं, लाइव सेशन पे ऐसे डेयर टू। लाइफ में हम क्या डेयर कर सकते हैं? और ऐसा कुछ डेयर वाला क्वेश्चन आई डोंट नो ना आस्क कभी। चलो एक भोजपुरी गाना गा के बताओ। मुझे नहीं आता भोजपुरी गाना। कोई भी गाना होगा, कितने सारे गाने हैं, कोई भी एक रीजनल सॉन्ग, कोई आरती हो तो भी चलेगी, भगवान जी की पूजा हो भोजपुरी में, बता। भोजपुरी में नहीं आते गाने, रिंकी आके पापा आता है, रिंकी आके पापा बस इतना ही। गाओ गाओ, अरे अरे गाओ, आगे गाओ। बस इतना ही आता है, ठीक है तुम गा के बताओ। गाओ, मैं गाऊंगा सातवें पर, तुम गाओ, स्टार्ट तो करो। बस रिंकी इतना ही आता है, रिंकी आके पापा। क्या कर रहे हो यार, देखो भोजपुरी गाने में इस गाने को बोल रहे हो। है ना, तो मैं डेर तो दे रहा हूं। गा दिया मैंने एक लाइन। चट देनी मार ले मिकी के टमाटर, जी हाथ ले ले। दिनकी अच्छे पापा ही हाथ ले ले, अच्छा कर रहे। एक और अभी आता है मुझे मेरे दो। को। हाँ गाओ गाओ गाओ, बोलो अब तो गाओ। नहीं छोड़ो, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आप मुझे डेढ़ दो। मैं डर दूं? मैं क्या डर दूं? बाप रे, गूगल सर्च करूं? इतना करने में गूगल सर्च, अभी लाइव एंड करने का टाइम हो गया। ये देखो, हैव एनी एनी वन ऑफ यू क्राइड इन सेट, कोई रोया है सेट पे कभी? सबके सामने हाँ मैं रोई हूँ जब मैं गिर गई थी एक बार, तो कब? उसमें तुम उस सीन में तुम नहीं थे जब स्टार्टिंग में हम शूट कर रहे थे वो न्यू वाले सेट पे। तभी मेरा एक वॉकिंग सीन था डॉगी देवी प्रसाद के साथ, तो उसमें हाँ उसमें मुझे गिरना था और मैं एक्चुअल में गिर गई थी। हाँ तो वो लकड़ी का बीच में रखा हाँ, उसकी वजह से था। तब आई क्राइड अच्छे से। एंड आई रिमेम्बर ऐसे पैर के दर्द के लिए आई क्राइड एक दो बार। अच्छा, किसी ने रुलाया वैसा नहीं हुआ? किसी ने रुलाया तो नहीं है आज तक? हाँ तो मुझे रुलाना पड़ेगा सेट को लगता है, एक तो ओ तुम रोए हो कभी सेट पे? क्या तुम रोए हो कभी सेट पे ऐसे मैं सबके सामने? कभी कभी क्या सीजन वन मतलब में वो ज्यादा, सीजन टू में रिटर्न्स में नहीं, इंसिडेंट था? सीजन वन में छोटा था तब। तब क्या हुआ? क्या क्या
इंसिडेंट तो बताओ। इंसिडेंट इंसिडेंट ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं, बच्चे हैं ना तो छोटे छोटे बात पे कभी हो जाता है, वैसे हम कभी कभी डांट झगड़ भी लेते पड़ी थे तो रोने लगा, हम तो। नहीं डांट पड़ी तब नहीं, डांट पड़ी तब तो अच्छे से डांट सुनता था मैं, समझता मम्मी से डांट पड़ी तो नहीं तो रोता नहीं था मैं, समझता था मैं मुझे रोते एक थे क्या। पता है, ठीक है, तुम्हारा और आंटी का। रोना नहीं कहते उसको तो क्या कहते उसको हैं? इमोशनल होना कहते, इमोशनल, कलाकार की भाषा में बात करो। तब कलाकार वाली ऐसी कोई चीज नहीं थी, राइट? हाँ चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट अब एक्टर। सब हटा देते हो, क्वेश्चंस मेरे से करवाते हो। चलो अरे मैंने पूछा ना, डेयर डेयर नहीं दिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिता भूषण 4292792, फेवरेट एक्टर। मेरा फेवरेट एक्टर इज रणबीर कपूर। एक्ट्रेस एक्ट्रेस एज सच कोई नहीं है, सच में नोबडी दैट आई लुक अप टू। ओ आई एम फैन ऑफ माय सेल्फ, आई वांट टू थैंक मी फॉर बिलीविंग इन मी, आई वांट टू थैंक मी। हाँ ट्रू, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे, अच्छी बात होती है। बट मैं अपने आप को अच्छा नहीं, मतलब वैसे नहीं बोल रही, बट फेवरेट एक्टर इन गाइज इज रणबीर। तुम अपना बताओ। अजीत कुमार जी ऑफ कोर्स एंड अमिताभ बच्चन जी एंड यस दिस फेवरेट टू, एक्टर ये इन कौन? दोनों में से ज्यादा। फेवरेट एक्ट्रेस आई थिंक काजोल मैम एंड यामी गौतमी। या या आई थिंक आई वुड तुम्हें क्या लगा अग्री। मैं, अरे तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा नाम लूंगा। नहीं मेरा तो, चलो मुझे लगता है कि अगर एक्ट्रेसेस में से कोई होगा तो इट वुड बी दीपिका। आई लाइक दीपिका, एज एन एक्टर या एज एन एक्टर आई लाइक हर, आई लाइक आलिया भट्ट ऑल्सो। आलिया भट्ट आई यूज टू नाइस। नॉट लाइक हर, बट अभी जो उसकी मूवीज अच्छी अच्छी आई हैं तो आई थिंक शी इज वर्क रियली वेल। फिल्में अच्छी लगती है कि एक्टिंग अच्छी लगती है? उसकी एक्टिंग, लाइक द वे वो अपना कैरेक्टर करती है हर बार, अलग अलग करती है, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं उसके हर बार, तो मुझे हर बार अच्छा लगा है। ओके सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, किंजल किंजल कुरील अनरेस्पॉन्सिव थ्री, फेवरेट बॉलीवुड मूवी। माई फेवरेट बॉलीवुड मूवी वुड बी दृश्यम। दृश्यम आई थिंक कि नाइस, उसके टक्कर की कोई मूवी नहीं बनी अभी तक, एंड उसकी इतनी टॉप रेटिंग है। आई थिंक थ्री इडियट्स भी बहुत अच्छी फिल्म थी। आमिर खान की ऐसी काफ़ी मूवीज है, दंगल, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं, जिनकी बहुत अच्छी रेटिंग्स है और बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला है उनको। सो आई विल थिंक फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर, और एक भी फिल्म रणबीर कपूर की अच्छी नहीं लगी। रॉकस्टार अच्छी लगती है। अच्छा उस वे में बोलना चाहिए और प्रॉपर मूवी के सेंस में अगर बोलना चाहिए तो मुझे ये मूवीज अच्छी लगती है। रणबीर कपूर की कोई मूवी तो रॉकस्टार अच्छी लगती है, उसकी सभी अच्छी मूवीज मुझे लगती है, सारी मूवीज आई लाइक। ओके ये जगह जासूस भी या ओके तुम्हारी फेवरेट बॉलीवुड मूवी क्या है? बॉलीवुड तो नहीं है, बॉलीवुड में आई एम नॉट दैट मच फैन ऑफ बॉलीवुड। टॉलीवुड में काफी सारे फिल्म, विडलम है, विश्वासम है, बॉलीवुड की काफी सारी फिल्म आई लाइक टू वॉच। दृश्यम भी टॉलीवुड की मूवी थी। हाँ मलयालम फिल्म ओरिजिनली, अभी उसकी सेकंड पार्ट भी आ गया है। हाँ आई नो। सो यस लास्ट कमेंट्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको हमारे साथ बात करके? ओके सी कोई लिख भी रहा है मूवी का नाम कमेंट्स में, जो तुमने भी बोली। हाँ विवेकाम विदलाम विश्वासम नाइस राइट, बहुत अच्छा लगा सीट मुझे सुपर। तो बहुत मजा आया। आई थिंक अगर हम लोग नॉर्मली भी ऐसे रहते तो हमारी ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती है, इतने क्वेश्चंस नहीं होते जो इसमें थे, बट हमारी कॉन्वर्सेशन ऐसी हैपनिंग होती है। हम एक टॉपिक को पकड़ के उसको खींच देते हैं। हाँ काफी, और फिर उस पर लड़ाई भी हो जाती है। हाँ
खतरनाक वाली लड़ाई हो जाती है। अब क्या बताऊं मैं लड़ाई होती है। चलो उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे है? ओके सो आज बहुत मजा आया आप सबके साथ यहाँ पे लाइव में जुड़ के, एंड आई होप आप सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे, एंड इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन आउट देयर, बट हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे और एपिसोड देखते रहिए, बाल ब्रिटेन से प्यार करते रहिए, मुझसे प्यार करते रहिए, एंड लव यू ऑल, टेक केयर। और आपका क्या स्टे कहना सेफ। चाहेंगे? मैंने तुम्हारी स्पीच को कंप्लीट कर दिया। स्टे सेफ, स्टे हाँ तो आप ऑब्वियसली हमसे गाइस। स्टे होम स्टे सेफ ऐसा बोल रही हैं मैडम, आप उनकी बात भी ध्यान में लीजिएगा। और थोड़ा सीरियसली ओके लीजिएगा, सब प्रिकॉशंस लीजिएगा, इस सिचुएशन को सीरियसली लीजिए और सेफ रहिए प्लीज। यस, टेक केयर एंड कीप लविंग अस, मी अनाहिता एंड एवरीवन ऑन द शो, एंड टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, बाय 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 ना। बाय। बाय बाय।